हेलो एवरीबॉडी, आज है 3 फरवरी 2021 और हम आर्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल। तो आज का कोर्स है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे, बता तो क्या चाहता है। थोड़ा सा मैंने चेंज किया कि इंसान को जो भी अचीव करना है, जो आपको चाहिए, उसके लिए खुद को इतना तैयार करो कि वो आपका होकर रहे, वो आपका होकर रहे। उसके लिए रात दिन एक कर दो, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई सुस्ती नहीं, कोई कोताही नहीं। आप समर्पित कर दीजिए उसके लिए अपने आप को कि खुदा भी वो आपको देने को विवश हो जाए। कुछ इस तरीके से अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दो ताकि वो आपको हर हाल में वो आपको अचीव हो, हर हाल में वो आपको मिल जाए। तो यहाँ आपको देखना चाहिए, इतना टॉप लेवल पर आपको देखना चाहिए, आपको 100% देनी चाहिए, 101% देनी चाहिए, कोई कमी नहीं देखनी चाहिए, कि आप कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी कमी हो गई, उस कमी को फाइंड आउट करके उसको ठीक करने के लिए एड़ी चोटी लगा देनी चाहिए और देखते हैं फिर कि वो आपको कैसे नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम बजट के ही ऊपर आर्टिकल डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहली बात है कि एडिटोरियल आर्टिकल में जो हमारे एग्ज़ाम के काम की चीज़ें बहुत कम होती है, क्योंकि एक ही आर्टिकल बार बार जो है राइटर घुमा घुमा करके उसको लंबा चौड़ा करके लिखते रहते हैं। तो हमारे काम की चीज़ें हमें निकालना चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हर बात अगर हम डिस्कशन करने लग जाए तो एक तो हमारा वीडियो बड़ा होता है और दूसरा कि हमारे ऊपर पढ़ने का बर्डन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हमें जो चीज़ें याद रखनी चाहिए एग्ज़ाम में, फिर वो चीज़ें याद नहीं रह पाती। मेंस आंसर लिखते वक्त काम की बातें, जो पॉइंट जो लिखने का है आंसर में, जो वो सब फिर आ नहीं पाता हमारे दिमाग में, क्योंकि कचरा हमारे दिमाग में इतना जमा हो जाता है कि सही चीज़ें फिर आ नहीं पाता। तो बेटर मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि जो भी आप एनालिसिस जिस जहाँ भी देखते हो आप, तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि यूट्यूब पर क्या है ना कि फालतू की बहस बहुत ज़्यादा होती है और कमेंटेटरी ज़्यादा होती है, बकवास ज़्यादा होता है। और चाहे वो कोई एनालिसिस कर रहे हो, चाहे एडिटोरियल, चाहे कोई वीडियो जो बना रहे हो, जो भी, तो उसमें खास तौर से मैं देखिए जो बच्चे हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारे पास टाइम इतना कम है कि हमें बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ना है और हमारे पास टाइम कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा जो है करंट अफेयर है। करंट अफेयर में भी हम वो करंट अफेयर हमें निकालना जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ये काफ़ी बड़ी चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो बजट के बारे में तो दिमाग में ये बातें रहती है कि बजट तो ठीक है, इसमें तो सवाल बनता ही है, और बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो है इकोनॉमिक्स का, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बजट को बस एक एक लाइन अंधाधुंध जो है पढ़ते चले जाओ और उसको जो है मेमोराइज़ करो, नोट्स बनाओ। देखिए इतना ये हर चीज़ काम का नहीं होता, कम चीज़ें होती है इसमें, जो एसेंस होता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है और फालतू का कचरा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं फालतू की चीज़ें यहाँ पर लेकर आपके लिए नहीं लाया हूँ। बजट में भी हम वही चीज़ें बिल्कुल कोशिश करेंगे कवर करने का, डिस्कशन करेंगे कि जो चीज़ें हम पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में हम ओवरऑल, कल का आर्टिकल बजट का था और इस आर्टिकल में भी हम ओवरऑल बजट के बारे में बात करेंगे। तो वैसे और भी म्यांमार के बारे में, वहाँ पर भी थोड़ा सा म्यांमार मिलिट्री ने कूप कर गया, वहाँ डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से जो है बहुत जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसको कूप करके वहाँ मिलिट्री जो है पूरा सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इस पर आर्टिकल है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर के बाद, आर्टिकल लाएंगे थोड़ी देर के बाद जब उसको अच्छी तरीके से हम पढ़ लेंगे। तो फिर एक आर्टिकल और है म्यांमार के बाद, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी के ऊपर आर्टिकल है एक आर्टिकल, इंडिया की डेमोक्रेसी और अमेरिका की डेमोक्रेसी के बीच में एक ये है बैकग्राउंड डिस्कशन किया गया है कि किस तरीके से दोनों पैरेलल तरीके से दोनों की डेमोक्रेसी जो है हील कर रही है। ठीक है, तो इसके बारे में भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको भी हम लेकर के आएंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो पहले हम इसको अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। तो बात ये कर रहे हैं कि इस बजट में देखिए क्या होना है कि जब पेपर में आप लिखते हैं तो क्रिटिक्स गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा क्रिटिक्स नहीं लिखा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में ही आपको रह करके काम करना है। तो गवर्नमेंट्स का बहुत ज़्यादा अगर आप पेपर में क्रिटिक्स लिख दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपकी सोच जो है इस तरीके की है कि आप सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है आप सोच रखते हैं। आपको देखिए सिस्टम के ख़िलाफ़ सोच नहीं रखना है, आपको बाय लॉ कानून के अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उपाय हल ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ आप क्वेश्चन में जो है हमेशा सॉल्यूशन लिखने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। क्रिटिक्स, सरकार की क्रिटिक्स लिखोगे तो आपके नंबर्स ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, या फिर जो नंबर मिलने चाहिए वो भी कट हो जाएंगे, तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा। तो बजट के बारे में देखिए क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा है,
और इसमें अब हम ये देखेंगे कि क्रिटिक्स के अलावा, ठीक है, ऐसे क्या बजट के अंदर विशेषताएं भी, खूबियां भी क्या है कि जो सामने हम सामने आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें दो बातें हम रखेंगे, पहले बात है कि बजट में क्या खूबियां हैं, दूसरी बात है बजट में क्या खामियां हैं, खूबियां क्या है, खामियां क्या है। अब खामियां जब एक बार सामने आ जाती है तो खामियां का सॉल्यूशन क्या होगा, ये फिर ऑटोमेटिक तौर पर जो है एक जो कह सकते हैं ट्रेंड माइंड जो होता है वो ऑटोमेटिक तौर पर वो खामियां समझ करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो बात कर रही है कि देखिए सरकार ने जो इस बार जो बजट लाया है, इस बजट में सरकार का ओवरऑल ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, एक्सपेंडिचर किया जाए, खर्च किया जाए। और खर्च करने के देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जॉब के बारे में बात नहीं किया गया, लेकिन सरकार इनडायरेक्टली सोच रही है, सरकार जो खर्च कर रही है जैसे कि एक्सपेंडिचर कर रही है, अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है या फिर बाकी के सेगमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, मोटर पाइपलाइन, जल शक्ति मिशन पर खर्च कर रही है या फिर और भी इस तरीके से जितने भी स्कीम है। तो अब इसमें क्या होगा कि सरकार जो खर्च कर रही है तो जाहिर सी बात है कि इस खर्च में तो जॉब्स तो जनरेट होगा ही, और जब जॉब जनरेट होगा तो मार्केट में जो है एक डिमांड बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़ेगा तो फिर लोगों के हाथ में चीज़ें जो है रेगुलेट होगी, चीज़ें फिर आगे ईजी होती चली जाएगी। तो सरकार इस तरीके से इनडायरेक्टली सोच रही है कि एक बार जब खर्च किया जाएगा मार्केट में, जब पैसे जब डाले जाएंगे तो फिर इंक्रीजिंग जब की जाएगी एक्सपेंडिचर, तो ऑटोमेटिक तौर पर इससे क्या होगा कि चीज़ों को जो है धीरे धीरे जो है ईजी होता चला जाएगा। तो बात यह है कि देखिए कि सरकार ने डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केट में ये एक्सपेंडिचर किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जैसे कि हम अभी बता रहे थे जल जीवन शक्ति मिशन कह ले, चाहे पाइपलाइन जल या फिर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हेल्थ सेक्टर में जो खर्च करने की जो बात है, तो इसमें जो है डिमांड जनरेट होगा। चाहे डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, FDI जो है क्या कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर को जो है सरकार ये कर रही है कि वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करे, इसको कर रही है। तो इससे भी क्या होगा कि नई कंपनियां, नई चीज़ें जो हमारे देश में आएंगी, तो इससे भी जो है डिमांड जनरेट होगा, नौकरी जॉब जनरेट होगी, तो इसके तरफ कोशिश है। लेकिन सरकार साथ ही साथ इस चीज़ को भी एश्योर कर रही है कि एक्सेलरेटिंग ग्रोथ भी हो, हमारा ग्रोथ भी बढ़ जाए, और ख़ास तौर से ग्रोथ जो हो डेप्ट सस्टेनेबल हो, यानी कि कर्ज भी हमारा कम, ज़्यादा कर्ज ना बढ़े और हमारे इकोनॉमी में जो है एक तरह से डिमांड भी जनरेट हो और हमारा जो डेप्ट है वो भी सस्टेनेबल रहे, क्राउड जो हमारा जो कर्ज है ये भी सस्टेनेबल रहना चाहिए। तो सरकार इसका प्रयास कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए बात यह है कि फिस्कल मल्टीप्लायर टू क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इट हैड ऑल्सो आर्ग्यूड एट द रेटिंग एजेंसीज। अब सरकार इस बात को ध्यान में क्यों रख रही है कि सरकार का जो है डेप्ट जो है सस्टेनेबल होना चाहिए, चूँकि एक बार जब डेप्ट किसी भी कंट्री की जब डेप्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर उसका फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता चला जाता है, मौद्रिक घाटा, तो उस देश में इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन आ जाने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो है डिमांड कम होता है, वहाँ पर जॉब जनरेट कम होता है। तो वहाँ पर जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मूडी हो गया, तो ये सब विभिन्न विभिन्न जो है इकोनॉमिक की कंट्री की इकोनॉमी को जो है रेटिंग देती है, और रेटिंग के हिसाब से ही इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट होते हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में जो है इन्वेस्ट करने के लिए। तो सरकार इस बात को इसलिए कंसर्न मिला रही है, ध्यान रख रही है कि हमारा डेप्ट इतना ज़्यादा ना हो, यानी कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा ना हो, इतना ही खर्च इस हिसाब से खर्च किया जाए, डिमांड भी इकोनॉमी में लाया जाए और हमारा डेप्ट भी सस्टेनेबल हो, ताकि हमारी जो है रेटिंग भी जो है बाकी जो जितने भी रेटिंग बेंचेज है जो देती है रेटिंग देती है इकोनॉमी को, वो रेटिंग उस हिसाब से दे जिस हिसाब से हमारा FDI भी जो है अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये बात है। तो कीप एजेंडा फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन अवेयंस इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू रिवाइव द इकोनॉमी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है कदम उठा रही है। तो एस्टिमेट क्या है सरकार का, देखिए 2020 से 21 में तकरीबन जो है 23% जो है बात की जा रही है कि बजट एस्टिमेट है बढ़ने का, यानी कि डायरेक्ट टैक्स में जो है सरकार का अनुमान है 2020 से 21 में जो है सरकार का टैक्स जो है 23% जो है इंक्रीज होगा कितना, यानी कि 2019 से 20 में सरकार को टैक्स कितना मिला था, सरकार को टैक्स मिला था तकरीबन 15 लाख करोड़, ठीक है। तो 15 लाख करोड़ का ही टारगेट में आप 23% और बढ़ा दीजिए, यानी कि सरकार का टारगेट है कि पिछली बार 15 लाख करोड़ से 23% ज़्यादा इस बार जो है 20 से 21 में जो है सरकार का जो है टैक्स रेवेन्यू, मतलब डायरेक्ट टैक्स से जो है इजाफा होने वाला है। और दूसरा यह है कि द टैक्स रेवेन्यू शोज एज डिक्लाइन 17.8 ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू लोअर बाय 45% फ्रॉम द बजट एस्टिमेट। और नेक्स्ट जो सरकार का जो एस्टिमेट है, देखिए यहाँ पर कि सरकार, देखिए आप समझिएगा सरकार को टैक्स कहाँ से आता है, टैक्स आता है
दो तरह से, आप एक जानते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें सरकार को जो है अनुमान है कि 2020-21 में 23% बढ़ेगा। और एक टैक्स होता है कि जो नॉन टैक्स उसको कहा जाता है। देखिए नॉन टैक्स कहा जाता है उस टैक्स को जैसे कि सरकार किसी कंट्री को कर्ज दी है, ठीक है, तो किसी कंट्री को कर्ज दी है तो उसमें से जो भी इंटरेस्ट आएगा या फिर कैपिटल आएगा तो उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है, ठीक है। सपोज डेट सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि ONGC जैसा कंपनी हो गया, और जिसमें कि जिस कंपनी में सरकार का जो है शेयर है, तो उस कंपनी से सरकार को क्या होता है टैक्स मिलता है, उसमें से भी पैसे मिलते हैं, सरकार अर्निंग करती है, तो इसको भी कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब एक डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें कि सरकार को जैसे कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स मिलता है, ठीक है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स मिलता है, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। तो सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू पिछली बार था 17.8%, तो इस बार जो है अनुमान है सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ये लोअर रहेगा 45% तक जो है, ये एस्टिमेट है कि पिछली बार से 45% तक जो है इसमें जो है लोअर रहेगा, यानी कि इसमें नहीं जो है बढ़ोतरी नहीं होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये हो गया, और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। दो तरह से सरकार, यानी कि आप दो तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये एक कैटेगरी में रखिए, और नॉन टैक्स रेवेन्यू ये दूसरी कैटेगरी में रखिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब वो कि जो सरकार कहीं पैसा लगाई है उसमें से जो सरकार को टैक्स मिलता है उसको कहते हैं, या फिर सरकार जो है जैसे RBI से जो पैसे लेती है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड करना, ठीक है। तो सरकार का एस्टिमेट है 45% जो है इस बार जो है लोअर रहेगा 2020-21 में, 28% जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है इजाफा होगा, ये सरकार का अनुमान है। तो बजट एस्टिमेट यह है, देखिए बजट एस्टिमेट यह है कि 13.4 बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव गेटर स्पेड सिंस अक्टूबर एंड रिवाइज एस्टिमेट 2020-21 हायर देन द बजट एस्टिमेट 14.5% 6.1%। तो फिस्कल डेफिसिट सरकार का कितना रहेगा, मतलब सरकार का जो खर्च है, खर्च और एक्सपेंडिचर दोनों को देखा जाए, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद अगर देखा जाए तो फिस्कल डेफिसिट ऑफ GDP मतलब GDP हमारा कितना, मतलब कितना परसेंट ऑफ GDP जो है सरकार जो है ज़्यादा खर्च करने वाली है, यानी कि कितना घाटे में रहेगी, एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा हो जाएगा और जो है रेवेन्यू कितना आ रही है, तो दोनों को अगर मिला करके अगर देखा जाए, माइनस प्लस माइनस करके अगर देखा जाए तो 9.5% ऑफ एस्टिमेट है सरकार का GDP जो है माइनस में रहने का, ठीक है। माइनस 9.5% GDP जो है डेफिसिट रहेगी, आप समझ रहे बात, 9.5% GDP जो है 2020-21 में सरकार का अनुमान है कि ये जो है डेफिसिट रहेगी, मतलब 9.5% ऑफ GDP सरकार का लॉस में चलेगा। तो अब बात ये करें कि बजट इज़ अ हायर ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू 15%, टैक्स रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर 14.9% ओवर रिवाइज एस्टिमेट 2020-21। तो अब अनुमान जैसा कि हम बताए कि 15% का अनुमान है कि एस्टिमेट पिछली बार से बढ़ने का, तो सरकार ने देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15.4% और डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो 15.4% बढ़ने वाला है और 15% जो है टैक्स रेवेन्यू बढ़ने वाला है, तो इसके बाद फिर क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट करके सरकार जो है पैसे जुगाड़ करेगी, 1,75,000 रुपये जो है डिस इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियों में सरकार का जो शेयर है सरकार उसको बेच करके प्राइवेट कंपनियों से जो है पैसा जनरेट करेगी, उसको बेच करके प्राइवेट कंपनी को बेच करके 1,75,000 करोड़। तो इसमें से पिछली बार का जो टारगेट था 1,75,000 करोड़ टारगेट था, लेकिन इसमें से अचीव केवल हुआ 32,000 करोड़। ठीक है, सरकार तो कोशिश कर रही है एयर इंडिया को बेचने के लिए, ONGC और बाकी BPCL, तो इन कंपनियों को बेचना तो चाहती सरकार, लेकिन खरीदार उस तरह का नहीं आ रहा है जिस तरीके से जो है सरकार उसको बेच सके, तो इसके वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि 1,75,000 का टारगेट था 2019-20 का, लेकिन 32,000 करोड़ ही जो है सरकार को ये जनरेट हो पाया प्राइवेट कंपनियों को बेचने के बाद। तो इससे 0.95% जो है सरकार को जो है कह सकते हैं एक्सपेंडिचर में जो है कह सकते हैं कि प्लस हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड टू कंप्राइज 2.7 वेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट 26.2%। तो ये सब डाटा है, ये सब डाटा इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना, बस इतना रखना कि सरकार का जो है फिस्कल GDP फिस्कल डेफिसिट जो है 9.5% रहने वाला है, और सरकार का टारगेट है कि नॉन टैक्स, देखिए यहाँ दो टर्म समझ लीजिए, टैक्स दो तरह से, टैक्स डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में सरकार का जो है 15.4% इजाफा रहेगा, और टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार का 15% जो है पिछली बार से इजाफा होगा, ठीक है। बाकी जो सरकार जो पैसा जनरेट कर रही है प्राइवेट कंपनियों को जो है बेच करके पैसा जनरेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो सरकार के पास देखिए पैसा, रेवेन्यू कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो इसको सरकार किसी तरीके से जो है मैनेज करेगी। तकरीबन सरकार का 32,00,000 करोड़ रुपये सरकार को जो है खर्च करने के लिए रिक्वायरमेंट है, बाय जितना कि एस्टिमेट है। तो 32,000 करोड़ में सरकार के पास पैसे है, टैक्स रेवेन्यू है 15,00,000 करोड़। तो 15,00,000 करोड़ में अब बात है कि सरकार को बाकी के पैसे क्या होगा, डेप्थ में इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसमें भी कह सकते हैं कि इस वजह से कि हमारा GDP जो होगा 9.5% जो है कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट में रहेगा, इसको ध्यान में रखो, इतना डाटा दिमाग में रखने का
फ़ायदा नहीं, ना एग्ज़ाम में आप याद रख पाइएगा, ना आपके पास इतना डाटा लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि सरकार का जो है फिस्कल डेफिसिट 9.5% जो है रहने वाला है 2020 से 2021 में। ठीक है, तो अब बात है कि सरकार ने जो एलोकेशन किया है, जो इस बार जो बजट एलोकेशन किया है, सरकार का फोकस रहा है इस बार हेल्थ सेक्टर में अच्छा फोकस रहा है। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में फोकस होने के साथ साथ सरकार ने इसमें जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी जो है सरकार ने निकाला है हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि काफ़ी सारे स्कीम चल रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री PMKSY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्कीम चल रहा है। सॉरी आ जाना रही है, आप अगर रुक जाए तो बेहतर होगा, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए रेस्ट कर लीजिए 2 मिनट। तो 64,180 करोड़ जो है सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च करके हेल्थ में इस बार बजट में एक नया स्कीम भी लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम रखा गया है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, और इसके लिए पैसा अलॉट किया गया है 64,180 करोड़। ठीक है, 6 साल में ये पैसा खर्चा होगा, लेकिन 2021 से 22 में कितना खर्चा होगा इस बार बताया नहीं गया है। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में सरकार का इस बार का बजट है 2021 से 22 तक 4.5 लाख करोड़। ठीक है, अब पिछली बार था 4.1 लाख करोड़, तो आप कहेंगे कि इस बार सरकार ने डिफेंस में जो है बजट जो है ज़्यादा अलॉट किया है, लेकिन ये गलत होगा कहना, क्योंकि सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपया अलॉट किया है, लेकिन 4.1 लाख करोड़ 2019 से 20 में था। मतलब ये ज़्यादा तो है, लेकिन बाय GDP अगर देखा जाए तो केवल और केवल सरकार 2% से भी कम जो है डिफेंस में खर्चा कर रही है। ठीक है, तो सरकार सेक्टर बाय एलोकेशन हमने देखा यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है सरकार 20,000 रुपया जो है रिकैपिटलाइज कर रही है। मतलब 20,000 करोड़ रुपया जो है दिया जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक को, जहाँ पर जो है लोन देने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है उन बैंक को रिकैपिटलाइज कर रही है सरकार, जिसमें कि 20,000 करोड़ रुपया जो है दिया जा रहा है। साथ ही साथ बनाया जा रहा है इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए इस टर्म को समझिएगा, एक बनाया जा रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एक बनाया जा रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी, जैसे कि सरकार का NPA बहुत ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर बैंक का NPA बहुत ज़्यादा है, तो इस NPA को कम करने के लिए, ठीक है, इस NPA को कम करने के लिए, यानी कि तकरीबन कितना NPA होगा मैं अगर अनुमान से बताऊँ तो अप्रोक्स 12 से 14 लाख करोड़ रुपया सरकार का NPA है। NPA आप समझते होंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो पैसा सरकार ने लोन में दिया है बड़े बड़े कंपनी को वो, या फिर लोन नहीं चुका पा रही है
तो वो लोन ना चुकाने की वजह से वो पैसा क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, यानी कि ऐसा जो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 20,000 करोड़ रुपये सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक को दे रही है, तो इसका मकसद ये है कि बैंक में थोड़ा सा डिमांड, बैंक लोन देगी तो कंपनियों के पास पैसा आएगा, तो वो प्रोडक्ट बनाएगी तो बाज़ार में जाएगा, लोगों को जॉब भी जनरेट होगा, डिमांड भी जनरेट होगा। तो 20,000 करोड़ इसके लिए। तो अब ऐसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, एनपीए इनको दे दिया जाएगा, मतलब 12 से 14 लाख करोड़ जो भी एनपीए है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया जाएगा। अब ये क्या करेगी, कैसे वो एनपीए को हल करना है, कैसे लेना है, सपोज डेट किसी के पास सपोज़ 10 रुपया है, ठीक है, तो अब उसको 10 रुपया है तो उसको कंसेशन दे सकती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्या कर सकती है, उसको कंसेशन दे सकती है कि आप अगर पे कर दोगे तो 5 रुपया में आप पे कर दो, 8 रुपया में पे कर दो, ठीक है। तो उसको जो है इस तरीके से एसेट क्या करेगी, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी बैड लोन को यानी कि रिकवर करेगी। तो ये एक अच्छा कह सकते हैं, ये बजट में एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक, दो पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है सरकार क्या करेगी, इसको प्राइवेटाइज कर देगी, ठीक है। इस बार के बजट में ये अनाउंसमेंट है कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज कर देगी और कुछ कंपनियों को सरकार जो है बेचेगी, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस, और इसी के साथ पवन हंस कॉन्टिनेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट ऑन द डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार इसमें जितना भी अपना पैसा लगाई है या फिर जो पैसा लगाती है तो इसको सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, ठीक है, इसको बेच रही है एफडीआई जनरेट हो ताकि नई कोई बड़ी बाहर की या फिर विदेशी या फिर हमारे ही देश की कोई जो है इसको कॉरपोरेट सेक्टर इसको खरीद ले, तो फिर इसको रेगुलेट करे सरकार की तरफ से, जो है इसका रेगुलेट करने का जो है बोझा हट जाएगा, चूंकि ये सब खासतौर से जो है घाटे में चलती है तो इससे सरकार को नुकसान होता है, फिस्कल डेफिसिट सरकार का बढ़ता है, ठीक है। और फिर लाइफ इंश्योरेंस जो है एलआईसी में जो है फॉरेन एफडीआई को जो है अट्रैक्ट करने के लिए भी जो है रास्ते खोल दिए कि एफडीआई जो है आ सकता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी जानते होंगे, तो उसमें भी जो है एफडीआई को परमिट कर दिया गया। तो ये भी एक जो है इस बजट में एक नया चीज़ है। फिर एक क्रिएशन ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एसेट लायबिलिटी मिसमैच इन द बैंकिंग सेक्टर, दीज आर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है बनाया गया है, तो ये भी एक अच्छा जो है कह सकते हैं कदम है। अब देखिए बजट में अब हम क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए क्रिटिसाइज मतलब ये हम क्रिटिसाइज करने का मकसद क्या होता है कि इसमें कमियां क्या है, उस कमियों को फाइंड आउट करके आपको सॉल्यूशन देखना है कि आप क्या बता सकते हैं, सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिसअपॉइंटिंग सेगमेंट इस बजट में क्या रहा, देखिए बात यहाँ पर यह है कि सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ जो है बात करती है, सरकार सेल्फ रिलायंस इंडिया मूवमेंट लाने की कोशिश में है। तो क्या हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है, क्या एलपीजी रिफॉर्म जो 1990 में हुआ था, तो क्या उससे पहले के हालात लाने की कोशिश है, या फिर जो मार्केट में थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो 1991 के बाद जो जिस तरीके से फ्री मार्केट हो गया और चीज़ें हमारे यहाँ थोड़ी सी जो है कि जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही थी, तो उसमें क्या पहले वाली स्थिति लाने की कोशिश में, क्योंकि सरकार एक तरफ सेल्फ रिलायंट जब कहती है तो इससे बाकी के दुनिया को ये मैसेज जाता है कि भारत जो है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपना रहा है, यानी कि अपने संरक्षणवाद नियम को जो है अपना रहा, अपने देश में जो है टैरिफ बैरियर लगा करके चीज़ों को मांगा ताकि बाहर से कोई चीज़ें जो है इंपोर्ट ना हो सके। तो इसके लिए जो है सरकार का जो जैसे कि अभी कुछ प्रोडक्ट में जो है सरकार ने टैरिफ को बढ़ा दिया है, जैसे कि किस में बढ़ाया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बढ़ाया है और कॉटन में बढ़ाया है, रॉ सिल्क यार्न में जो है टैरिफ को बढ़ाया है। तो इससे क्या होता है कि 1991 वाला जो सेगमेंट आप कह सकते हैं कि जो इससे पहले हर चीज़ में जो है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी हम अपनाते थे, तो इस तरह की पॉलिसी को जो है नहीं अपनाना चाहिए, इससे सरकार को कह सकते हैं कि दुनिया को एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो ये एक बात है, ठीक है, यानी कि टैरिफ को कम करना चाहिए, टैरिफ बढ़ाना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में टैरिफ बढ़ाया गया, कॉटन में, रॉ सिल्क ये सब में चीज़ों में बढ़ाया गया। तो इसका जो है एक डिसअपॉइंटेड सेगमेंट है। और दूसरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड सेगमेंट है, देखिए इस बजट में सरकार जो है हंगर को एड्रेस करने में पूरी तरीके से फेल हो गई। हंगर को जितना एड्रेस करना चाहिए था, जिस तरीके से करनी चाहिए थी, उसमें सरकार फेल हुई। तो इसमें क्या है कि जैसे कि अभी 2019 में जो है एक निकल के आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये पांचवा इसका रिपोर्ट इशू हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इसमें बताया गया था कि चाइल्ड मालन्यूट्रिएंस मतलब कुपोषित बच्चों की संख्या में जो है 2016 के मुकाबले में 2019 में और ज़्यादा इजाफा हुआ, ठीक है। तो इससे और ये देखा गया कि फॉल ऑफ इनकम, बहुत सारे जो लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए, उनका रोजगार रोजी रोटी कमाने का माध्यम खत्म हुआ, बहुत सारे लोग जो है और ज़्यादा पहले से भी बुरी स्थिति में चले गए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये भी बताया गया कि 2016 से हमारी स्थिति 2019 में हंगर के मामले में और ख़राब हो गई है। और एक और डाटा आप कॉपी में लिख सकते हो, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इन्होंने भी एक बताया है अक्टूबर से 2020 दिसंबर 2020 तक में, कि जो माल न्यूट्रिशन की जो स्थिति थी पहले की, लॉकडाउन से पहले की, अभी जो स्थिति है लॉकडाउन के पहले वाली स्थिति में भी लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं, जितना पहले न्यूट्रिशन लेते थे उतना न्यूट्रिशन अभी भी जो है बच्चे नहीं ले पा रहे, उतना गार्जियन के पास कैपेसिटी नहीं है कि
उतना न्यूट्रिएंट्स वो ले पाए, बच्चों को दे पाए, ठीक है। तो ये एक जो है डिसअपॉइंटेड सेगमेंट है। अब सवाल है कि आंगनबाड़ी जो कि और मिड डे मील, आंगनबाड़ी और मिड डे मील, इसमें जो है बजट का जो एक अच्छा सेगमेंट अलॉट होना चाहिए था इस बार। तो ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है राइटर के द्वारा कि आंगनबाड़ी में देखिए क्या है कि एक कंट्रीब्यूशन होता है बहुत क्रूशियल होता है, मिड डे मील का एक बहुत बड़ा क्रूशियल जो है कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो है बच्चों को खाना दिया जाता है, पढ़ाया भी जाता है। तो चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वुमेंस के लिए जो है इसमें तकरीबन 2020 से 21 आंगनवाड़ी सर्विस में 17,252.53 करोड़ जो है सरकार ने इस्टीमेट किया था, लेकिन खर्च कितना था 20,532 करोड़, चूँकि इतना खर्च किया गया। तो अब जैसे कि डिमांड था कितना 24,810 करोड़ का, तो ये एक जो है इसमें कटौती है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने बताया कि आंगनवाड़ी सर्विस अमंग अदर थिंग्स दिसंबर 2020 वाज ओनली 14,607.1 करोड़। तो 49% जो है सिर्फ खर्चा किया गया, यानी कि 2020 में 14,607 करोड़ पर खर्चा किया गया, जबकि डिमांड कितना था 24,810 करोड़ का। तो ये डिसअपॉइंटेड सेगमेंट है कि आंगनबाड़ी और मिड डे मील, चूँकि एक बहुत गरीब जो है कह ले कि वुमेंस के लिए भी, जो कि काफ़ी ज़्यादातर महिलाएं आंगनबाड़ी में काम करती है और बच्चे जो कि जो बहुत मार्जिनल सेक्शन के होते हैं वहाँ पर बच्चों को खाना दिया जाता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी अच्छा होता है कि वहाँ पर बच्चों को पेट भर अनाज मिलता है। तो ये इसमें जो है सरकार ने जो कटौती की है 49%, तो ये काफ़ी अच्छा नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो करंट बजट में इसको करना चाहिए था, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, आंगनबाड़ी सर्विस के लिए जो अलॉट होना चाहिए था उसमें जो है पैसा सरकार ने कटौती की है। फिर न्यूट्रिएंट्स, नेशनल न्यूट्रिएंट्स मिशन चलता है ये प्रोग्राम, 2020 से 21 में जो है इसका खर्च तकरीबन हुआ केवल और केवल 600 करोड़, ठीक है, जबकि बजट का एस्टीमेट कितना था 3,700 करोड़, खर्च किया गया कितना 600 करोड़ और एस्टीमेट कितना था 3,700 करोड़। इसी तरीके से मात्र प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें जो है प्रेग्नेंट वुमेन को 5,000 रुपया जो है दिया जाता है, तो इसमें तकरीबन एस्टीमेट था कि 1,300 करोड़ रुपया जो है बजट में इसको अलॉट किया गया है, जबकि एस्टीमेट इसका कितना था 2,500 करोड़ का। इसी तरीके से स्कीम था समर्थ्य, इसको और भी कई सारे स्कीम से जोड़ दिया गया, समर्थ्य स्कीम को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला शक्ति केंद्र, इस स्कीम को इसमें जोड़ दिया गया, तो इसमें भी कटौती की गई। देखिए ये सब याद नहीं रखना कितना दिया गया कितना लिया, मतलब ये सब जो स्कीम है इसमें पैसा जितना कि खर्च होना चाहिए था उतना सरकार खर्च नहीं कर रही है, सरकार इसमें कटौती कर रही है। तो ये एक डिसअपॉइंटेड सेगमेंट है मार्जिनल सेक्शन के लिए, चूँकि होना चाहिए था। देखिए एक तरफ हम फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, चलिए ठीक है, अगर दुनिया देखा जाए तो फ्री इकोनॉमी ज़्यादातर जो है सक्सेस हुई है, चाहे वो अमेरिका कह ले, चाहे यूरोप कह ले, चाहे वो चाइना कह ले, चूँकि चाइना में हम समझते हैं कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, सॉरी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर चीज़ें जो है इस तरीके से चलती है। लेकिन जिस तरीके से चाइना इतना तरक्की किया है, वो अपने सोशलिस्ट माइंडसेट से, कम्युनिस्ट माइंडसेट से जो है वो तरक्की नहीं किया, बल्कि लिबरल माइंडसेट से तरक्की किया है। तो लिबरल थ्योरी ज़्यादा जो है दुनिया में कह सकते हैं सही डायरेक्शन में जो है इंप्रूवमेंट लेकर के आई है, कह सकते हैं कि तरक्की लेकर के आई है। तो ठीक है, फ्री मार्केट होनी चाहिए, लेकिन नो डाउट होनी चाहिए, मतलब इसके साथ साथ जो मार्जिनल सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, जो कि हाशिए पर है, उन लोगों के लिए भी जो स्कीम्स है उसके लिए जितना बजट अलॉट होना चाहिए, जितना उनको ऊपर जितना खर्च होनी चाहिए, उसको भी सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये बात है। देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सब्सिडी जो देती है सरकार फूड में, इसमें भी कटौती की गई है। फूड सब्सिडी जैसे कि आप देख लीजिएगा 2011 में कानून पास किया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इसके लिए जो है अनाज दिया जाता है जो है पीडीएस शॉप से, आप देखते हैं कि लाल कार्ड वाले को, पीला कार्ड वाले को अनाज दिया जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011 में जो पास हुआ था इसके तहत। तो FCI ये काम करती है, सबको अनाज पहुंचाती है, ठीक है, राशन शॉप के तक अनाज पहुंचाने का काम करती है। तो FCI प्रोक्योर करती है, यही MSME के मूल्य पर जो FCI जो है अनाज जो है खरीदती है, और ये अनाज जो है पहुंचाया जाता है जो है पीडीएस शॉप तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें सरकार का देखिए तकरीबन इसका कर्ज कितना है, FCI के ऊपर कितना कर्ज है, यानी कि जो ये खरीदती है अनाज, इसके ऊपर कर्ज तकरीबन है 31 दिसंबर 2020 तक की बात करें 3.7 लाख करोड़ तक का जो है इनके पास कर्ज है। सरकार ने इनको पैसा कितना दिया 3.1 लाख करोड़, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक की बात की जा रही है, यानी कि 2019 से 20 की बजट का एस्टीमेट यहाँ पर 3.1 लाख करोड़ सरकार ने दिया, जबकि इसका कर्ज कितना है 3.7 लाख करोड़। तो अभी जो बजट जो लाए गए इसमें, ये 2021 से 22 में कितना है 2.4 लाख करोड़, यानी कि इसमें भी सरकार ने कटौती किया है, ठीक है। FCI चूँकि एक बहुत ही बड़ा न्यूट्रिएंट्स का जो है कह सकते हैं कि जो सस्ते 2 रुपया किलो अनाज चावल और 1 रुपया किलो शायद 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो जो है चावल दिया जाता है इसमें, तो इसमें भी जो सरकार ने कटौती की है तकरीबन काफ़ी बड़ा तादाद में, काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है सरकार ने इसमें कटौती की है। तो ये भी एक क्रिटिसाइज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने का नहीं है, बस इतना याद रखिए कि सरकार ने जो है
कुछ ऐसे डिसअपॉइंटेड सेगमेंट है जो कि बजट में आना चाहिए था जो कि नहीं आया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल्स, तो आप इसको शेयर कीजिए उन लोगों को जो रिक्वायरमेंट के, तो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।